हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली एक दमदार कंपनी है। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे जरूर भागा है और अब अगर हम देखें तो आज एक गिरावट भी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से इतनी बड़ी रैली आई है कि थोड़ा सा हाफेगा जरूर शेयर। और आज वही हुआ है, आज मुनाफा वसूली थोड़ी सी हावी होती हुई इसके ऊपर जरूर दिखी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उस शेयर की, इस शेयर के बारे में कि आखिर इतनी बड़ी रैली क्यों आई और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जमुना ऑटो का शेयर 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जमुना ऑटो के ऊपर से पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं जब ये शेयर काफी सस्ते दाम पर के ऊपर अवेलेबल था। तब भी मैंने आपको वीडियो बना के एडवाइस किया था कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। अब देखिए, जमुना ऑटो के ऊपर मैंने 25 मई को वीडियो बनाया था, तब शेयर 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 25 मई को मैंने वीडियो जब बनाया था तब 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि और मैंने कैप्शन भी लिखा था कि 24 रुपए का छोटा शेयर प्रमोटर यहाँ पर जम के खरीदारी कर रहे हैं, और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको यहाँ पर कि खरीदारी करने का आपके लिए कितना अच्छा मौका है। उसके साथ साथ जब शेयर में और भी तेजी आई, और इसी महीने अगस्त में 5 अगस्त को मैंने जमुना ऑटो के ऊपर वीडियो बनाया था, तब शेयर 31 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 5 अगस्त को, ज्यादा दूर की भी बात नहीं है, इसी महीने मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तब भी आप देखिए, तब से लेकर अब तक की भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो 43 रुपीज के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी काफी बड़ी रैली आपको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है जमुना ऑटो में। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ये शेयर ने काफी बढ़िया रिटर्न कमा के दिया है। 47% का यहाँ पर ग्रोथ है। 28 रुपए तक का लो था, आप देखिए ऐसी रैली आई कि पकड़ना मुश्किल हो गया। 45 रुपए तक का हाई बनाया और आज हल्की सी मुनाफा वसूली हावी हुई है। 43 रुपीज के आसपास शेयर आज ट्रेड किया है, थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। पिछले एक साल में देखिए तो एक साल की जो गिरावट थी उससे ये बाहर निकल चुका है। 27% का ग्रोथ देखने को मिला है एक साल में। 47 रुपीज से गिरकर पेंडेमिक के दौरान 21 रुपए तक शेयर टूट गया था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और उसके बाद में एक फिर से एक बड़ी रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल चुकी है। जमुना ऑटो हालांकि छोटी सी कंपनी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली छोटी सी कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो 1,740 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। एनएसई में देखेंगे तो 20 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रमोटर यहाँ पर जम के खरीदारी कर रहे हैं। 49.37% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है जून क्वार्टर में, जो पहले मार्च में 48.91% हुआ करती थी। एफआईएस के पास 6.77% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.77% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.25% की होल्डिंग है। तो फंड हाउसेस के पास भी काफी बड़ी क्वांटिटीज आपको देखने को मिल जाएगी जमुना ऑटो की। प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो मैप ऑटो लिमिटेड है, जिनके पास 33.59% की होल्डिंग है, और 3.5% की छोटी सी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी जरूर देखने को मिल रही है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 26 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 32.88% के आसपास देखने को मिली है। छोटा सा शेयर जरूर है लेकिन फिर भी डिविडेंड पे करता है। 22% का डिविडेंड इस कंपनी ने इसी साल मार्च महीने में पे किया था। 22 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया था। जमुना ऑटो के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी, और तो और काफी हाई पी पर ये पहुंच चुका है, लेकिन ये पुराना पी 114 का पुराना पी है, लेटेस्ट पी इससे अलग है। यहाँ पर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 12% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 88% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, अभी और ऊपर जाने का दमखम है, खरीदारी करना चाहो कर सकते हो और खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि 12% लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का भी सलाह यहाँ पर देखने को मिल रही है। जमुना ऑटो की अगर हम बात करें तो जून क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ था, तकरीबन 12.5 करोड़ का लॉस था, लेकिन ये जो नतीजे थे वो आए थे 6 अगस्त को, मतलब नतीजे आने के बाद इस कंपनी ने और बड़ी रैली हमें दिखाई है, तो कोई खासा असर नहीं पड़ा है इस लॉस का, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो काफी शानदार थी उसके बाद।
मार्च में इससे पहले अगर हम देखें तो 11 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2019 में 6.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2019 में 20 20.5 करोड़ का इनको मुनाफा जरूर हुआ था। जून में जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो एक पेंडेमिक का दौर था, कोरोना का पेंडेमिक का दौर था, सारी कंपनी के सारे कामकाज बंद पड़े हुए थे, कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा था, सारे की सारी चीजें ठप पड़ी हुई थी, तो ये तो लाजमी था, लेकिन फिर भी उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है जितना अज्यूम किया जा रहा था। उसके अलावा अगर हम देखें तो फायदा किस चीज का मिला है जमुना ऑटो में, आखिर इतनी बड़ी रैली क्यों आ गई? रैली आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो पहल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा की गई है, उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है ऑटो एंसिलरीज को। क्योंकि देखिए सिचुएशन यहाँ पर यह है कि सरकार की तरफ से उन इंडियन कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें पोटेंशियल है कि इंपोर्ट बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट एक ऐसा सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज एक ऐसा सेक्टर है जिसका इंपोर्ट बढ़ सकता है, जो चीजें हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जमुना ऑटो ऑलरेडी इंडिया के बाहर भी अपने जो पार्ट्स है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है। जमुना ऑटो की बात करें, मदरसन सुमी की बात करें, तो ऐसे पहल की जा रही है कि ये जो कंपनीज हैं वो उन सारी कंपनियों को टक्कर दे, और उस उन सब मतलब जो बाहर की कंपनियां, चाइनीज कंपनियां हैं और इवन दूसरी कंपनियां, उनको टक्कर दे। इम्पोर्ट जो है वो यहाँ से अगर हम कहें तो बाहर इम्पोर्ट ज्यादा हम बढ़ा सके, वो चीजों को हम सबसे ज्यादा यहाँ पर पहल कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और ये वो चीज, ये वो सेक्टर जिसमें काम जो है वो आसान हो सकता है, अगर हम कहें तो काफी आसानी से हम इन अपनी जो कैपिटलाइजेशन उसको बढ़ा सकते हैं, और सरकार की तरफ से भी कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है इन कंपनियों को कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए और बाहर इन सारी चीजों को भेजे, तो सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से भी उनको मतलब काफी अच्छा एंकरेजमेंट मिल रहा है, और उसी के बदौलत इन कंपनियों के शेयर में हमें ऑलरेडी तेजी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर इंसेंटिव मिलेगा तो एक अच्छा एंकरेजमेंट मिलता है इन कंपनी को, और वही एक सबसे बड़ी वजह है कि जमुना ऑटो के शेयर में आपको तेजी देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर कंटिन्यूअस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, 47.88% की होल्डिंग आज 49.37% तक पहुंच चुकी है। हालांकि जो शेयर पहले गिरवी नहीं थे वो 3.57% की शेयर होल्डिंग इनकी गिरवी जरूर है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने खरीदी यहाँ पर जरूर है। एफआईएसबी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 5.20% की होल्डिंग 6.77% तक पहुंच चुकी है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने कट डाउन किया है, 7.71% की होल्डिंग 4.77% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास 0.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जमुना ऑटो अगेन एक काफी दमदार कंपनी है, मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करने का मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है क्योंकि काफी बड़ी रैली आ चुकी है, तो शायद एक दो दिन यहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी सी हावी होते हुए देखने को मिल सकती है। 40 रुपए का जो लेवल है वहां पर अगर आप चाहें तो एक खरीदारी करने का मन यहाँ पर बना सकते हैं फ्रेश बाइंग, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें खरीदारी करते वक्त कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। 40 रुपए पर आप, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 क्वांटिटी आप 40 रुपए पर खरीदो, फिर वेट करो, अगर शेयर 38 पर जाए तो और 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, अगर 36 पर जाए तो थोड़ी और 20-25 क्वांटिटी आप खरीद लो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर मत खरीदिए, और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। अनडाउटेडली जमुना ऑटो एक अच्छी कंपनी जरूर है, तेजी आने की उम्मीद भी जरूर है, लेकिन देखिए एक चीज हमें यहाँ पर हमें समझनी होगी कि भरोसेमंद कंपनी आप किसको कह सकते हैं। आप अपना जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में हमेशा रखिए, ना कि कोई ऐसे स्मॉल कैप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लूँ, 20,000 शेयर खरीद लूँ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपका एक बड़ा सा अलॉटमेंट जो है पैसों का वो हमेशा लार्ज कैप में होना चाहिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ऐसे लार्ज कैप में आप अपना पैसा अगर लगाएंगे तो पैसा सेफ रहेगा। एक छोटा सा अमाउंट जो होता है, जो रिस्की अमाउंट होता है, वो अगर आप चाहे तो इन सारी कंपनियों में लगा सकते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा लगाने की भी मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जमुना ऑटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।